चाय आप पिलवा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपका फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, और हो सकता है कि फिफ्थ लेक्चर का कुछ आपको बेसिक आइडिया आपको हम दे पाए, और फिफ्थ चैप्टर का फिर बेसिक आइडिया शुरू होगा, उसके बाद क्लासेस शुरू होंगी फिफ्थ चैप्टर की, और आपका फिर मैकेनिक्स समाप्ति की तरफ होगा। फिफ्थ चैप्टर के बाद एक चैप्टर और बचता है, छोटा सा लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन के बाद आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होगा, ठीक है। तो अब हम सब लोग बहुत आसान आसान तरीके से कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, क्योंकि बिकॉज फ्रिक्शन इज ओनली जस्ट ओनली बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्रिक्शन, देयर इज नो मोर थ्योरी फॉर फ्रिक्शन। फिर आपको फ्रिक्शन में बहुत थ्योरीज नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिए, फ्लूइड फ्रिक्शन इज डिफरेंट, वी आर ओनली स्टडिंग द ड्राई फ्रिक्शन कंडीशंस, ओनली सॉलिड टू सॉलिड ड्राई सर्फेसिस कंडीशन, बेड कंडीशंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, और क्लच में हम लोग ड्राई फ्रिक्शन की कंडीशन करेंगे, बेड में बस थोड़ा एज्यूम करेंगे कि फ्रिक्शन कोफिशियंट कम हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो आप जितना प्रैक्टिस कर लें उतना ही बेहतर है, आपसे शानदार कोई नहीं है, जितने क्वेश्चंस आप कर लेंगे उतना ही आपको अच्छा मिलेगा, ठीक। तो अब क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, अब हम सब लोग 13 क्वेश्चंस को देखते हैं। द 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखेंगे जहां जाइएगा वहीं पाइएगा, हमको ना भुला पाओगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, आप हमको तो ना भुला पाओगे, ये गारंटी है, हम आपके दिलो जहन में बसते हैं। आपको इंजीनियरिंग अगर कहीं पर करनी है, और इंजीनियरिंग छोड़िए, आपको कोई जॉब करनी है, तो इस सब्जेक्ट को आपको कहीं कहीं ना कहीं फील करना ही है। आपके दिमाग में नहीं, आपके पूरे शरीर में मशीनरी चल रही है, आपकी पूरी बॉडी मैकेनिक्स है, आपकी पूरी पूरी क्या है, बॉडी ही मैकेनिक्स है। तो एक बात ध्यान रखिए, हमको ना भुला पाओगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। हमको अगर नहीं भुला पाओगे तो आप क्या करोगे, तो वही बात है, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में आ जाता है यार, यूपी ट्रिपल एससी में आ जाएगा, स्टेट जेई में आ जाएगा, किसी भी स्टेट के आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट जेई में आपको मिल जाएगा, चाहे आप राजस्थान जेई की बात कर रहे हैं, चाहे, अब देखिए हम सब लोग का कल्चर क्या रहा है कि हम सब लोग इंग्लिश बैच पढ़ रहे हैं, द नोट्स इज टोटली ऑन इंग्लिश एंड वी आर एक्सप्लेनिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी इवन समटाइम्स वी आर गोइंग टू सम देहाती वर्ड्स आर यूजिंग। तो ये ध्यान रखिए, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ही बेहतर आपका ये हो रहा है, जहां पर हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं, आपका जो इंडिया है, साउथ इंडियन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, पर हम ही तो साउथ में भी पहुंच गए हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं। बट द नोट्स आर टोटली इन इंग्लिश, ओके, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश बैच, वी आर गोइंग ओनली इन हिंदी एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इंग्लिश रिटन नोट्स, समटाइम्स वी आर एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। तो आपको ये क्वेश्चन सब जगह मिलेगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ी समझदारी आपकी पूछता है, ठीक है। द ब्लॉक ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम, हरी वाह, इक्विलिब्रियम मतलब तुम कहीं जाना ही नहीं चाहते। द ब्लॉक ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। द मास m ऑफ द ब्लॉक इज इक्विलिब्रियम
on a rough inclined plane, inclined at angle alpha with the horizontal. The coefficient of friction is, the coefficient of friction is mu between the plane and the block. Coefficient of friction is mu between the plane and block. The frictional force between the block and plane. अब यहाँ पर FBD बनाइए. सिंपल सा FBD. कई लोग क्या होता है ना, घबरा जाते हैं. क्वेश्चन इसमें बहुत कठिन नहीं है यार. क्वेश्चन आपका कठिन नहीं है, दिमाग रटने की हो गई है. दिस इज अल्फा एंड दिस इज रफ इंक्लाइंड प्लेन. द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज आल्सो गिवन, दैट इज म्यू. द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक इज W इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन इज दिस. हाँ, ये श्योर है. आर एन देखिए, हमारी प्रैक्टिस में तो आर एन इसलिए क्योंकि न्यूटन और एन में कंफ्यूजन रहता है. और ये श्योर है कि फ्रिक्शन तो इधर ही लगेगा. बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स तो जीरो है. अब ये एंगल आपका अल्फा ही होगा. क्यों अल्फा होगा भैया, आप ही बता दो. अगर हम अल्फा हैं, हम अल्फा हैं और ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा होगा कि नहीं आप बताओ. तो यहां से यहां पर अगर हम देखें तो W का दो कंपोनेंट, एक आएगा W cos अल्फा और एक आएगा W sin अल्फा. क्या आएगा? W sin अल्फा. और यहां से आप लिख सकते हैं आर एन इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा. आर एन इक्वल टू होगा डब्ल्यू कॉस अल्फा. भाई इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में आर एन और डब्ल्यू ही तो हैं, तो आर एन इक्वल डब्ल्यू. और यहां पर ये भी होगा कि एफ आर इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा. एफ आर इक्वल टू बिकॉज दिस इज इन इक्विलिब्रियम. तो ये हम गारंटी ले सकते हैं कि फ्रिक्शन जो होगा वो एम जी साइन अल्फा होगा. पर कुछ लोग कहेंगे सर म्यू आर एन क्यों नहीं होगा? अरे यार क्या किस क्वेश्चन ने ये थोड़े बोला कि लिमिटिंग कंडीशन में. क्या क्वेश्चन ने इसमें लिमिटिंग सिचुएशन बोला है? नहीं. तो ये गारंटी है कि फ्रिक्शन जो होगा वो डब्ल्यू साइन अल्फा के बराबर होगा. लिमिटिंग सिचुएशन में फ्रिक्शन म्यू आर एन भी होगा, उस समय आपका अल्फा फाई के बराबर. प्रूफ हमने कर रखा है. पर जस्ट ये तो इसने बोला कि अल्फा एंगल पर रखे और ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है. इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम देन द फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द मस्ट बी नॉट विल बी द फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स अलोंग द प्लेन इज डब्ल्यू साइन अल्फा नॉट म्यू आर एन. म्यू आर एन की कोई गारंटी नहीं. म्यू आर एन इन स्पेशल केस व्हेन द मोशन इज अबाउट टू जस्ट अबाउट टू स्टार्ट. जब आपका मोशन जस्ट स्टार्ट होने की कंडीशन में होगा तब हम गारंटी ले सकते हैं कि फ्रिक्शन आपका म्यू आर एन होगा. पर ऐसा कुछ है नहीं. इक्विलिब्रियम है, फ्रिक्शन एम जी साइन अल्फा. फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी साइन अल्फा. इन केस ऑफ लिमिटिंग सिचुएशन ये आप आगे जरूर मेंशन कर सकते हैं. अब उसी में अगर कह दे कि ऑन द वर्ज ऑफ इम्पेंडिंग मोशन, तो इन केस ऑफ लिमिटिंग सिचुएशन द फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू आर एन. म्यू आर एन का अभी म्यू का कोई रोल ही नहीं है जस्ट इक्विलिब्रियम में, बट लिमिटिंग सिचुएशन में म्यू का रोल होगा. और जब म्यू आर एन होगा तो यहां से अल्फा इक्वल टू फाइ प्रूफ हो जाएगा. अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइ. वही आपका एंगल ऑफ रिपोज होगा. बस जनरल ऐसे कह रहा है. तो जनरल ये गारंटी है कि फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी साइन अल्फा. इन जनरल ओनली जस्ट प्लेसिंग देन द फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, गारंटीड अप्लाइड फोर्स, बट वी कैन नॉट सी द फ्रिक्शन विल बी इन द लिमिटिंग सिचुएशन. ये नहीं कह सकते. अप्लाइड फोर्स के बराबर तो कह सकते हैं पर लिमिटिंग सिचुएशन में हो ऐसा नहीं कह सकते. ये बात ध्यान रखिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर स्टेशनरी. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन होता है तो वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. वो आपका क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. वो आपका क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. इसमें पूछने गए तो फालतू क्वेश्चन. नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ वेट 30 न्यूटन. कोई एक बॉडी है जिसका वेट जो है वो क्या है? 30 न्यूटन. रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. Rest on a horizontal floor.
ठीक है भैया, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इस पर रेस्ट कर रहा है। अब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, वो भी इंक्लाइंड नहीं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड, धीरे धीरे लोड को बढ़ाया जाता है। आ जा आ जा आ जा आ जा, और थोड़ा लगाओ आएंगे अभी, और थोड़ा लगाओ आएंगे। तो क्या आया, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, कि अब आ जाओ 9.2 लगा, अब आ जाओ 9.3, अब आ जाओ। बस कभी ऐसे होगा तो अप्लाई टू द बॉडी व्हेन जस्ट स्टार्ट मूविंग द फोर्स इज, जब जस्ट अब आज ही जाएंगे उस समय ये फोर्स क्या है, 9 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद इन। तो आप खुद बताइए, अब ये जस्ट स्टार्ट वाला मोशन खुद ही कहा है, हमने तो कुछ कहा नहीं। इधर आपका 30 न्यूटन है और ये नॉर्मल रिएक्शन ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन ये होगा और दैट इज फ्रिक्शन इक्वल टू इस सिचुएशन में, क्योंकि बोला है कि जब जस्ट स्टार्ट होने की बात है तब 9 न्यूटन का फोर्स लगा है। जस्ट स्टार्ट होने की बात है उस समय क्या लगा है, 9 न्यूटन। तो पहली बात तो ये लिखोगे कि आरएन जो होगा वो आपका, आरएन जो होगा वो 30 न्यूटन होगा वाई की वजह से, आरएन इक्वल टू 30 न्यूटन। और दूसरा आप लिखोगे म्यू आरएन इक्वल टू 9, म्यू आरएन इक्वल टू 9। तो यहां से म्यू इक्वल टू आ जाएगा, म्यू इक्वल टू 9/30, 9/30 इक्वल 3/10, और म्यू इक्वल टू 3/10 और म्यू इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में आपने क्या किया, W इक्वल टू 30 न्यूटन है, 9 न्यूटन लगाने पर ये खींचने लगा, जस्ट अब आ ही जाएंगे 9.1 कर दो, मोशन स्टार्ट आ गया आपके पास। तो 9 पर जस्ट लिमिटिंग सिचुएशन, इसलिए आपने लिमिटिंग, देखिए फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग हो ऐसा नहीं, पर जस्ट इंपेंडिंग मोशन में लिमिटिंग तो होता है भैया, जस्ट इम्पेंड। और उस समय म्यू आर एन के बराबर, आर एन इक्वल टू यहाँ पर 30 आपका हो गया और म्यू आर एन 9 हो गया, तो आपका फाइनल आंसर। द बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर आपने क्या कर दिया, वेट डब्ल्यू बॉडी को रख दिया रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ ऐसे बना लो। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज लेस देन, जो इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज लेस देन 5, इज लेस देन, इस पर अंडरलाइन करो, इतनी बार बताया, इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द इंक्लिनेशन अल्फा इज लेस देन द 5, देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर अल्फा 5 से कम है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। Body will be in equilibrium. ठीक है, if alpha is equal to the phi, then also body will be in equilibrium, but in the limiting situation. And if alpha is greater than phi, then body will move downward. The body will move downward. ये सब तो upward हो, ये सब तो सोच ही नहीं सकते। हाँ, move downward when alpha is greater than phi, when the inclination angle of the plane with the horizontal is greater than the friction angle. When the angle of inclination of the plane with the horizontal is greater than the friction angle, then the body will move downward. And if alpha is less than phi, then body will be in equilibrium. Body क्या होगा? Equilibrium में होगा. ठीक है? One by one, one one mapping चल रहा है. आपको one by one हम सारे questions करा रहे हैं. Question booklet आपको मिल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा. प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ गए होंगे और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे कंटेंट दिए जा रहे होंगे। जिन जिन लोगों ने एडमिशन लिया है सबको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाता है और उसी में आपको कंटेंट दिया जाता है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि हमें ये कंटेंट नहीं मिल रहा है या हमें सर लाइव क्लासेस का वादा किया गया नहीं किया गया, लाइव क्लासेस आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ हमने सोम में लाइव क्लासेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका कंप्लीट हो चुका है, सोम में हमने आपको लाइव क्लासेस भी दिया है और कुछ आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। अच्छा, अब जो ज्वाइन कर रहे होंगे वो लाइव भी उनका रिकॉर्डिंग ही हो गया है,
उनका लाइव क्लास भी क्या हो गया, रिकॉर्डेड लाइव, एक बार ही लाइव हो सकता है, ठीक है, उसके बाद वो भी रिकॉर्डेड ही होता है। तो ध्यान रखिए जो आपको बेहतर लगे, जिस पर आपको भरोसा हो, जिस तरह से हम अपनी तरफ से आपके लिए बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेहतर भी कर रहे हैं, बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप रेगुलर क्लास करिए। रेगुलरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके अपने परिवार के लिए। अगला, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक को ही काइनेटिक भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, तो इसमें देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो वेरी 0 to μs into Rn और डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू μk into Rn। यहां पर श्योर है कि μs इज ऑलवेज, μs की बात करें तो μs इज ऑलवेज ग्रेटर देन μk। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में तो कोई डाउट ही नहीं है, वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स है, स्टैटिक जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जीरो भी हो सकता है अगर अप्लाइड कुछ ना हो, और काइनेटिक में तो अप्लाइड नेट होगा तभी तो मोशन होगा, तो वहां बोलने की जरूरत है कि कोई ना हो, वहां तो है तभी तो मोशन हो रहा है। तो ध्यान रखिए स्टैटिक फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम जीरो टू म्यू एस इंटू आर एन, तो स्टैटिक म्यू के काइनेटिक से ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट की बात नहीं कर रहे, फ्रिक्शन कोफिशियंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट। बस स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान रखिए स्टैटिक फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम जीरो टू लिमिटिंग वैल्यू, इट मे बी जीरो, इट मे सम बिटवीन द लिमिटिंग एंड जीरो, एंड इट मे इक्वल टू द लिमिटिंग। तो आपका इसमें क्लियर, ध्यान रखिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उसको आप गारंटी नहीं ले सकते। उसकी आप गारंटी नहीं ले सकते, तो इसलिए ध्यान रखिए नन ऑफ द इक्वल टू भी हो सकता है सही, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक के बराबर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसमें कुछ नहीं, तो नन ऑफ द अबव ही आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। ये आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आने लगे हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी में आपको डाउट आ जाएगा, सर वहां तो आप स्टैटिक, यहाँ लिमिटिंग को लेके आंसर करने वाले हो, भाई क्या करें यार, आपको नंबर भी तो हमारी दिलाना जिम्मेदारी है, नंबर कोई और तो दिलाने आएगा नहीं, नंबर तो हम ही को दिलाना, जो क्वेश्चन के आंसर आयोग मान रहा है उसी को तो लेके हम आगे बढ़ेंगे, जिस भी क्वेश्चन को आयोग मान रहा है। द स्टैटिक फ्रिक्शन, द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ आप ध्यान रखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के हिसाब से ही आंसर करें यार। स्टैटिक फ्रिक्शन वियर्स, मतलब सहन करना, अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस। तो यहाँ ध्यान रखिए एफआर मैक्स जो होता है, कोई स्टैटिक नहीं, एफआर मैक्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो जो होता है वो म्यू होता है और कांस्टेंट होता है, तो ये सही बात है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस, दो सर्फेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू का रेशियो कॉन्स्टेंट होता है। इज इनडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इनडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सर्फेसिस, ये भी करेक्ट है। दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन। अब देखिए इसका कोई पता नहीं है, गाल पे ये हाथ आपको इतना प्रैक्टिकल बताएं कि आपको ऊपर ही गाल छिला, ऐसा नहीं नीचे भी आ सकता है, तो वही, बट हाँ ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन,
अपोजिट टू दैट, इसके अपोजिट टू दैट इन विच बॉडी टेंड टू मूव, ये ध्यान रखिए। तो ये भी करेक्ट है और सब करेक्ट बताने वाला कौन है, डी, इसलिए करेक्ट डी है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक बोलना गलत है, लेकिन क्या करें, आंसर तो ऐसे ही। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा, और लिमिटिंग ने कोई भी फ्रिक्शन हमेशा मोशन की टेंडेंसी या मोशन का विरोध करने की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, क्लियर, यहां तक आपका हो गया। द एंगल व्हिच नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द रिजल्टेंट रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। करेक्ट, एग्री करते हैं भाई हम। नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच का एंगल ही तो आपका क्या है, द नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच का एंगल ही तो आपका फ्रिक्शन एंगल है। तो द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दैट इज करेक्ट और वी आर एग्रीइंग। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन इज दैट द फोर्थ रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, फोर्थ रिक्वायर्ड कौन सा, फोर्थ रिक्वायर्ड, द फोर्थ रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द प्लेन विल बी मिनिमम। अगर आप प्लेन पर अपवर्ड ऐसे मोशन, इसको फोर्स को आप ऐसे लगाए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप, टू मूव द बॉडी अप द प्लेन विल बी मिनिमम। कब मिनिमम होगा, जब आपको हम बता रखें कि थीटा इक्वल टू फाई हो जाए। थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, फाई हो जाए। तो यहां पर इक्वल टू आया था W साइन अल्फा प्लस फाई अपान कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, और इसी के लिए आपने कहा था कि फॉर पी मिनिमम थीटा इक्वल टू फाई, तो इट मेक्स एन एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन इक्वल टू द, विद इंक्लाइंड प्लेन इक्वल टू द क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर एंगल पर प्लेन से उस एंगल पर अगर आप फोर्स लगाएंगे, तो आपको लीस्ट इफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो अब यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है, फोर्थ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में और भी चीजें पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर में क्या क्या होने वाला, थोड़ी सी पहले उसकी आइडिया ले लेते हैं। फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है, उसी में काफी कुछ रखा हुआ है, नाम में नहीं, नाम ही काफी है, इसलिए हमारा नाम ढूंढेंगे तो आप हमें कहीं पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आ सकते हैं, आप हमसे फेसबुक प्रोफाइल्स, आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपसे हमें जुड़े रहना, आपके लिए सहयोग प्रदान करना हमारे लिए, ये हमारा कर्तव्य भी है। आपकी लाइफ में हम कुछ बदलाव ला सकें, ये आप, ये बहुत ही बेहतर बात है। कहीं ना कहीं कईयों की जिंदगी में हमारा योगदान रहा कि हम कुछ बदलाव ला सके, और अभी भी हम प्रयासरत हैं कि आपके लाखों हजारों लोगों को कहीं ना कहीं जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव ला सकें तो अच्छा रहे। हमारा योगदान आपकी जिंदगी में कहीं भी है और पॉजिटिव वे में है तो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, आप अगर पॉजिटिव वे में हमें कहीं सहयोग पाते हैं तो जिंदगी भर आप हमको ना भुला पाएंगे। ठीक है, कोशिश रहती है कि लाइफ में आपके लिए कुछ अच्छा करें, हम रहें या ना रहें, आपका रहना और हमारे इन बातों का रहना बहुत जरूरी होता है। हमारा वजूद हमारी आप से है, हमारा वजूद आप, हमारी बातों का आप तक पहुंचना, आपके लिए बेहतर होना इससे है। खैर चलिए, तो मुलाकात होती रहती है, आप जहां भी रहें खुश रहें, आप सब लोग बेहतर करें और अपनी लाइफ को पर डे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5। द चैप्टर 5, द नेम ऑफ द चैप्टर इज काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स।
तो काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स मींस हम यहाँ पर फोर्स एनालिसिस और उसी में हम फोर्स के साथ साथ मोशन एनालिसिस की तरफ भी आगे बढ़ जाएंगे। और बेसिकली अभी तक का पूरा पूरा पोर्शन स्टैटिक्स था और अब का पोर्शन है आपका डायनेमिक्स। अभी तक का पूरा पूरा पोर्शन हम मोशन नहीं, हम इक्विलिब्रियम की तरफ बात कर रहे थे। अब इक्विलिब्रियम बीत चुका है, अब मोशन होगा, अब बॉल को इधर उधर फेंकेंगे, बॉल को रोकेंगे नहीं, रस्सी से लटकना नहीं, रस्सी पर अब सरकना है, बाल्टी उठाना है, बाल्टी जस्ट रोके नहीं रहना है, ठीक है। तो मोशन जैसे ही वर्ड आता है मोशन, तुरंत आप कहते हो सर क्या हो गया, मोशन है क्या, ये जो हाथ घुमा रहे हैं, ये जो बातें निकल रही हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मूव कर ही रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, और उस डिस्टरबेंस से जो आपके कान के पर्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस हो रहा है और आप उसको महसूस कर ले रहे हैं। हमारे और आपके बीच का एक इंटरेक्शन है जिसको हम लोग समझ पा रहे हैं, एक हमारे और आपके बीच का एक लैंग्वेज है, एक माध्यम है, लैंग्वेज एक माध्यम है जो हमारी बातों को आपको समझा पा रहा है। क्लियर हुए आप सब लोग? तो व्हाट इज मोशन, फर्स्ट आप सब लोग ये जानेंगे कि मोशन क्या है, और मोशन क्या है ये जानने के बाद हम सब लोग आगे ये बढ़ जाएंगे। मोशन क्या है समझने के बाद टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन में आपको वन बाय वन सारे मोशन हम आपको डिटेल में कराएंगे। इसी दौरान आपकी कुछ बातें होंगी कि व्हाट इज पोजीशन, व्हाट इज डिस्टेंस, स्थिति क्या है, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी और विस्थापन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से कहीं ना कहीं, किसी भी आप किसी भी सेमेस्टर किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, हर जगह आपको 9th से ही पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस को कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जाती है। वो भी हम भी आपको बताएंगे एक नए तरीके से, हो सकता है कि हम आपको बेहतर समझा पाए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी कब क्यों कैसे आएगा किधर होगा, तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन और उसी के बीच आप कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ग्राफ पढ़ने के बाद एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो हर एक मीनिंग को हम लोग समझेंगे। इसके बाद कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ चुके हैं, और कब ये एप्लीकेबल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चंस कब एप्लीकेबल है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, और डेराइव करने की एक फिजिकल सेंस को भी जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशंस। तो किसी भी इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है उसको भी जानेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको मिल जाएगा, और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन की वैलिडिटी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। इक्वेशंस मिल जाएंगे, उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे, कभी बाल्टी गिरा दिए, कभी बकेट डाउनवर्ड हो रहा है, तो कभी कुछ, कहीं कोई बॉल, कहीं स्पेयर, कुछ भी। तो आप मल्टीपल डायमेंशंस में हम सब लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। इसी बीच आपका टाइप्स ऑफ मोशन में कर्विलिनियर मोशन भी आएगा, सर्कुलर मोशन भी आएगा, उसी में आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम आपको डिटेल में कराएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, प्रोजेक्टाइल का आपका ट्रेजिटरी क्या है, आजकल बहुत पूछा जा रहा है ट्रेजिटरी प्रोजेक्टाइल में, टाइम ऑफ फ्लाइट, एवरीथिंग आपको बहुत डिटेल में पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब आसान आसान है, आपको बहुत आसान तरीके से सब कुछ हम कराएंगे। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस भी कराएंगे, किन्हीं दो मोशंस को मर्ज करके एक नए मोशन की बात करेंगे, और आसान से आपका सब कुछ होता जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितना आसान हुआ वैसे ही होगा। ये चैप्टर थोड़ा मल्टीपल डायमेंशंस को अपने में समाहित किया हुआ है, ढेर सारे डायमेंशंस हैं, इसलिए थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा होगा, कई चीजों को एक साथ आगे लेके बढ़ रहे होंगे, तो ये चैप्टर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बड़ा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका आता है एंगुलर मोशन की बात होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होने के बाद एंगुलर मोशन की बात होगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ साथ
न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की टेक्निक्स मिलती रहे। एंगुलर मोशन में आपको पुली के रोटेशन, फ्लाईव्हील की रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसी बीच आ जाएगा, टॉर्क की बात हो जाएगी और हम फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसी में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अप्रोच करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अप्रोच करने के बाद फिर आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के को अप्लाई करना सीखेंगे। F equal to ma अगर आसान से ऐसे लिखा हुआ F equal to ma t equal to I alpha, तो what is the meaning of these two equation and how to apply these two equation on the analysis of dynamics problem? तो dynamics problem में आप इन सब चीजों को कैसे apply करेंगे, ये सब हम चीजें ध्यान देंगे। उसी में आपका नए नए टर्मोलॉजी होगी, लीनियर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात आ जाएगी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात आ जाएगी। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लिफ्ट के क्वेश्चंस की बात करेंगे, लिफ्ट भी हम सब लोग पढ़ेंगे, लिफ्ट में कब टेंशन ज्यादा होता है, कब टेंशन कम होता है। और एफ इक्वल टू एम ए बहुत आसान सा इक्वेशन है, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। एफबीडी के बाद नेट फोर्स इक्वल टू एमए करना तो कर ही लेंगे यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहले तो आपको एफबीडी डिटेल में आना चाहिए और एफबीडी ड्रॉ करने के बाद हमें एफ इक्वल टू एमए अप्लाई कर लेंगे। एफ इक्वल टू एमए किस डायरेक्शन में, किसके अलोंग, यही सब चीजें चलती रहेंगी, बहुत आसान आसान चीजें, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिर करेंगे, फिर आपका फिर वहीं पे रोटेशन में टॉर्क की बात आ जाएगी। टॉर्क में आप रोटेशनल अलग अलग, जैसे मोटर द्वारा अगर टॉर्क सप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, अगर आप एक्चुअल में देखें तो लिफ्टिंग मशीन जो क्रेन्स हैं आपके, जितने क्रेन्स हैं, क्रेन में भी क्या हो रहा है, क्रेन में मोटर द्वारा आप टॉर्क ही सप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका फैन रोटेट कर रहा है तो फैन में आप टॉर्क सप्लाई कर रहे हैं, और टॉर्क सप्लाई, टॉर्क इन द सेंस ऑफ पावर आप सप्लाई कर रहे हैं, और फिर टॉर्क सप्लाई होने के बाद आपका रोटेशन हो जाता है, आपका क्या होता है, रोटेशन हो जाता है। और जब रोटेशन हो जाता है तो आप उसी में रोटेशन में एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद आप ये जान पाते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन आपको जब पता चल जाता है तो आप इसमें बता सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, कितने चक्कर बाद क्या स्पीड हो जाएगी, ये सारी चीजें आप बता पाते हैं। इसी में एक नया टर्म आता है अपने आप में, एक नई ऊर्जा के साथ आता है, वर्क। अल्टीमेटली काम तो होना चाहिए, अल्टीमेटली कार्य तो होना ही चाहिए ना, तो हर कोई ये जानने की कोशिश करता है कि आपने कार्य क्या किया। तो एक नया टर्म्स आता है आपके लिए, व्हाट वर्क, व्हाट इज वर्क, तो यहीं पे शुरुआत होगी, वर्क क्या है। और वर्क जब हम जान जाएंगे कि कब वर्क हुआ कब वर्क नहीं हुआ, फोर्थ और डिस्प्लेसमेंट का कुछ प्रोडक्ट जो भी मतलब समझ पाए आप, तो जैसे जैसे आपको ये समझ में आएगा कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, जब तक आप ये समझ पाएंगे इसी में एक नया टर्मोलॉजी आ जाएगी, एनर्जी। ऐसे जैसे ही आप वर्णन आप समझेंगे तुरंत आप क्या समझ पाएंगे, एनर्जी। और एनर्जी में हम अपने लेवल पे अभी बात कर रहे हैं, जैसे एनर्जी के मल्टीपल डायमेंशन, एनर्जी के अगर देखे जाए तो एनर्जी के मल्टीपल डायमेंशन है। एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन, फ्यूजन सब कुछ है, फ्यूजन फ्यूजन सब कुछ है। तो आप ध्यान दीजिए, मल्टीपल टाइप्स की आपकी एनर्जी मिलेंगी। ठीक, एनर्जी में आपको केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फ्यूजन फिजन, न्यूक्लियर, सब मल्टीपल एनर्जीज, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में दो तरीके की एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। आज जान लीजिए, इस चैप्टर का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है कि हम फिफ्थ चैप्टर को जाने कि फिफ्थ चैप्टर में होने वाला क्या है। तो जब आप एनर्जी के डायमेंशंस पर आएंगे तो आपको सिर्फ मैकेनिकल देखना, और मैकेनिकल में काइनेटिक और पोटेंशियल मिलेगी, और आपको काइनेटिक एनर्जी के दो रूप दिखाई देंगे,
काइनेटिक एनर्जी के क्या होंगे, टू फॉर्म दिखाई देंगे, एक रोटेशनल और एक लीनियर। एक आपको रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, एक आपको लीनियर काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जो हाफ एम बी स्क्वायर होगा। लीनियर काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। इसी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH की बात करेंगे, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो मल्टीपल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से एनर्जी जो रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी। और जब हमें पता चल जाएगा, वर्क डन निकाल ही लेंगे, वर्क डन निकालने के तरीके सीख लेंगे अलग अलग केसेस में कि वर्क डन कैसे निकालते। जब हमें ये सब पता चल जाएगा तो हम बाद में समझेंगे वर्क एनर्जी थे, एक नया टर्म आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम में आएगा नेट वर्क डन इक्वल टू, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होगा, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी पर किया गया नेट वर्क डन जो होगा वो आपका क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां है, किस किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी कंडीशन में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसी बीच आएगा एनर्जी कंजर्वेशन। अब जब एनर्जी कंजर्वेशन की बात होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो वहीं पर एक नया टर्म आएगा कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक आपका क्या आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और जब आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे तो आपको आसानी से नॉन कंजर्वेटिव भी समझ में आ जाएगा, और तब आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को जान पाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपको डिटेल में मिलेगा, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को आप अप्लाई करना भी सीखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को आप क्या करेंगे, अप्लाई करना भी सीखेंगे, कैसे हम जान पाए, कैसे अप्लाई करें। और जब अप्लाई करना आप सीख जाएंगे कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को, तो उसके बाद आपका एक नया टॉपिक आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। तो इंपल्स और मोमेंटम आपको फिर मिलेगा। इंपल्स मोमेंटम को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे वन बाय वन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपल्स, इंपल्स है क्या। पहले तो आप यही जानेंगे कि इंपल्स क्या है, और जब आपको इंपल्स पता चल जाएगा, मोमेंटम पता चल जाएगा, मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम सब कुछ अलग अलग बात है। क्वेश्चन ये होती कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब अप्लाई होगा, कब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आप समझेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी रोटरी झूले पर हैं, अगर आप ऐसे घूम रहे हैं हाथ फैलाए हुए, हाथ को बटोर लिए, ऐसे आपने अपना श्रिंक कर लिया हाथ, तो बात क्या होगी, झूले की स्पीड बढ़ेगी घटेगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। तो इतना मतलब चीजें आसान है, लाइफ में कहीं जोड़ते जाइए, गोली से गोली टकरा रहे हैं, कंचा खेल, ये कंचा खेले ना आप लोग, तो आपको इंपल्स इंपैक्ट वहीं पर आएगा, इंपैक्ट की बात करेंगे। चलो खैर, अभी मोमेंटम पे था, तो लीनियर मोमेंटम समझेंगे, लीनियर मोमेंटम के बाद इंपल्स समझेंगे। जैसे क्रिकेट के बॉल की बात करो, बॉल किसी वेलोसिटी से आया, बैट से टकराया, बैट ने उस पर कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगा दिया तो मोमेंटम चेंज हो गया, अगर फोर्स लगाया तो मोमेंटम, और वो फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल की लगा, बहुत कम इंटरवल पे अगर फोर्स लगे, धीरे धीरे फोर्स लगे, वो इंपल्स नहीं है, वो इंपल्स नहीं है। बात समझ रहे, तो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो आपका इंपल्स है, और इंपल्स आपका एफ इंटू डी टी आएगा, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। इंटीग्रल फॉर्म में भी आपको हम बता देंगे, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशंस भी डिटेल में करा देंगे। तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन में चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स के बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम ही आपका क्या होगा, इंपल्स के बराबर। इसी दौरान एक नया टर्म आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आल्सो।
तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसको डिटेल में कर लेंगे। बड़ा टॉपिक है, मल्टीपल टॉपिक्स का असेंबली है ये चैप्टर। क्या है कि मल्टीपल टॉपिक्स का असेंबली है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा समय लेगा, पर ठीक है, आप आसानी से सारी चीजें कर रहे हैं, आप समझदारी से कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। इसी बीच एक आएगा आपका कोलिजन, एक नया टॉपिक आएगा कोलिजन। कोलिजन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोलिजन क्या होता है ये जानेंगे, और जैसे कोलिजन होगा तो लाइन ऑफ इंपैक्ट आएगा, और लाइन ऑफ इंपैक्ट आएगा तो उसके अलोंग सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्या एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। और जब एनर्जी कंजर्व रहना या ना रहना आप सीखेंगे, तो उसी दौरान आपकी ये बातें हो जाएंगी कि टाइप्स ऑफ कोलिजन, आप वहीं पर कहां आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन आपका परफेक्ट कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन होगा, और सेमी इलास्टिक सेमी प्लास्टिक की बात हो जाएगी। तो उसी में एक नया टर्म आएगा, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको डिटेल में करेंगे, और फिर ये चैप्टर कोलिजन के बाद समाप्त हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर फर्श पर बॉल को पटक दिया, अगर आपने फर्श को बॉल पर पटक दिया, तो जिस हाइट से आप ड्रॉप करेंगे, क्या उस हाइट तक बॉल आएगा? जिस हाइट से आप ड्रॉप करेंगे, क्या उस हाइट तक बॉल आएगा? ये इंपॉर्टेंट। अब अगर अलग अलग टाइप्स के आपके फ्लोर है, तो हर समय हाइट अलग अलग होगी। अगर मिट्टी की फ्लोर है, मिट्टी की दीवारें हैं, उस पर इम्पैक्ट होगा, तो हो सकता है उतना रिबाउंडिंग ना हो। पर अगर ग्लास का आपने टाइल लगवा रखा है, आपने संगमरमर पत्थर लगवा रखे हैं, स्टोन्स लगवा रखे हैं, तो उसमें जब इम्पैक्ट डालेंगे, तो हो सकता है हाइट ज्यादा आ जाए। आरसीसी का आप बनवा रखे हैं, आप सीसी का बनवा रखे हैं आपने फर्श, तो हो सकता है उससे कम आए। ठीक है, चलिए, तो अब आप समझ चुके हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि इस चैप्टर्स में क्या क्या होने वाला है, और जब डिटेल में आप पूरा पढ़ लेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हुए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम लोग इस चैप्टर का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर 6 होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे आप सब लोग को। रेगुलर क्लास करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।